ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों का जवाब हिजबुल्ला भी दे रहा है। इसराइल लेबनान बॉर्डर से न्यूज 18 संवाददाता जावेद मंसूरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और बड़ी हानि का दावा दोनों पक्षों की तरफ से किया जाता है, जो कि अभी भी लगातार जंग का मैदान बना हुआ है। ये जो जंग है लगातार इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, एस्केलेट जो जंग है वो हो रही है, क्योंकि कल भी हिजबुल्ला ने ड्रोन अटैक किया, उसकी बाकायदा वीडियो जारी की गई और इसराइल भी लगातार एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है और एयर स्ट्राइक हिजबुल्ला के ठिकानों पर कर रहा है। तो जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और वहीं इसराइल गाजा में लगातार ऑपरेशन चला रहा है और वहां पर भी हमास के जो लड़ाके हैं वो चुनौती दे रहे हैं और यहाँ इस फ्रंट पर हिजबुल्ला इसराइल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हिजबुल्ला इसराइल के लिए हमास से बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने ये चेतावनी दी है कि अगर इसराइल गाजा पर हमला करता रहा तो इसराइल पर लेबनान से हमले जारी रहेंगे। वहीं हिजबुल्ला ने अमेरिका को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है। हसन नसरल्ला ने आरोप लगाया कि हमास जंग की पूरी तरह से अमेरिका से ही प्लानिंग हो रही है। हिजबुल्ला का नया वॉर प्लान, लेबनान की सीमा पर फाइटर जेट गरजने लगे। लेबनान की सीमा के पास रॉकेट से हमला दिखा। दावा किया गया कि लेबनान के रॉकेट के हमलों के जवाब में इसराइल ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। मतलब हिजबुल्ला और इसराइल की सेना के बीच ये जंग एक लेवल और ऊपर पहुंच गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि वो हमास से जंग के साथ ही कई मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। हमास के हर सहयोगियों को मिटाने की चेतावनी दे चुके हैं। नेतन्याहू तो ये तक कह चुके हैं कि हमास के खात्मे तक वो युद्ध जारी रखेंगे, कोई युद्ध विराम नहीं होगा और न ही हमास पर हमले रुकेंगे। בעניין החטופים, ההנחיה שלי ושל הקבינט היא ברורה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. यही वजह है कि इसराइल की सेना दो मोर्चों पर युद्ध कर रही है। एक तरफ गाजा में तबाही मचा रही है तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर रही है। लेकिन युद्ध की सिर्फ एक तस्वीर है, क्योंकि हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरुल्ला इसराइल को वो खतरनाक चेतावनी दे चुके हैं। हिजबुल्ला चीफ ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन जिस तेवर के साथ हसन नसरुल्ला ने इसराइल के साथ अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, वो इसराइल के लिए हमास से भी बड़ी चुनौती बन गया है। इसराइल का नया संकट बना हिजबुल्ला। अभी तक हिजबुल्ला इसराइल के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है और वो इन हमलों के लिए रूस में बने रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इसराइल भी हिजबुल्ला के हमलों का जवाब दे रहा है। दावा है कि इसराइल के हमलों में हिजबुल्ला के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्ला के लड़ाके इस कदर हमला कर रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में इसराइल को अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और बड़ी हानि का दावा दोनों पक्षों की तरफ से किया जाता है, जो कि अभी भी लगातार जंग का मैदान बना हुआ है। ये जो जंग है लगातार इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। We'll be right back.